हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे वांडा विजन के अपकमिंग एपिसोड 5 और 6 के स्पॉइलर लीक्स के अपडेट के बारे में। अगर आपको स्पॉइलर्स नहीं जानने तो आप वीडियो को अभी क्विट कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं, काफी सारी डिटेल्स पता चली हैं जो कि शायद आपकी मजा खराब कर सकती है बहुत ज्यादा। तो इसलिए कहना चाहूंगा स्पॉइलर वार्निंग के साथ कि अगर नहीं जानने हो तो वीडियो को क्विट करें, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ही मत लिखना कि भाई आपने स्पॉइलर बता दिए। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो यहीं से कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं एपिसोड 4 और 3 से, जो कि आपको एक मिक्सचर टाइप का दिखाया गया था, और आपने लास्ट में देखा था कि मोनिका को वांडा ने कितनी बुरी तरीके से रियलिटी से बाहर निकाल दिया था। जी हाँ, और मोनिका सीधे साल 1970 से लेके साल 2023 तक के बीच का सफर तय करती हुई बाहर निकाल दी गई। जी हाँ, ये एक रियलिटी टाइम है जो कि डिफरेंट टाइप से चल रहा है, आपको ये अपकमिंग एपिसोड में समझ में आ जाएगा। अब समय थोड़ा आगे बढ़ जाता है और वांडा और विजन के दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि बिली और टॉमी। और देन हैलोवीन का समय चल रहा है, सब काफी ज्यादा खुश हैं। विजन ने अपनी क्लासिक कॉस्ट्यूम पहन रखी जो कि उसकी फेवरेट है, ठीक है, उसने किसी कॉमिक बुक से देखा होगा उस टाइम में। और देन वांडा ने अपनी खुद की फेवरेट कॉस्ट्यूम पहन रखी, यानी कि स्कारलेट विच की। तो दोनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, पर विजन उस दुनिया में घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़ता चलता जाता है, और उसको थोड़ा ना अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है कि ये है क्या एक्चुअल में। और जब विजन उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, करीब आ जाता है, उसको टच करके महसूस करता है, तो वो देखता है कि कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़। जी हाँ, तो तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, रुको ज़रा। और जैसे ही विजन इस दीवार के पार जाता है तो विजन के साथ कुछ अलग होने लगता है, विजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि विजन एक्चुअल में पहले जिंदा है, विजन साल 2019 में मर चुका था और ये चल रहा है साल 2023। जी हाँ, और देन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इन्फिनिटी वॉर में विजन के साथ क्या हुआ। विजन मर चुका था 2019 में, पर वांडा ने कैसे उसको जिंदा कर रखा है ये बाद में हमें पता चलेगा, पर रियलिटी में विजन पहले जिंदा है बाद में नहीं, जैसा कि मोनिका के साथ हुआ था। तो तुरंत ये बात बिली को पता चल जाती है, जो कि वांडा का दूसरा बेटा है, और देन वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, यानी कि वांडा के पास, और वो कहता है कि मॉम डैड को कुछ हुआ है, इस टाइप से कुछ बोलता है, क्लियर ऑडियो नहीं मिल पाई मुझे। और तुरंत पीछे एक कैरेक्टर खड़ा होता है एक्समैन का, जी हाँ क्विकसिल्वर, जो कि बहुत ही कमाल का सीन होता है। और देन मैं तो सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये क्या हुआ, और देन वो उसे एक वेव शॉक देती है और वो पीछे गिर जाता है। और यहाँ पर दूसरा बेटा खड़ा होता है टॉमी, जो कि क्विकसिल्वर को देखते ही हैरान हो जाता है, और जबकि आप नोटिस करोगे उसके भी बाल बहुत ज़्यादा खड़े हैं। और वांडा को ये चीज़ पता चल जाती है, वांडा अपने पावर का यूज़ कर सामने वाली दुनिया में जाती है, यानी कि साल 2023 में, और वांडा बाहर निकल कर फिर बेहतरीन तरीके से लड़ाई करती है, जो कि बहुत कमाल का सीन होने वाला। और यही शायद मे भी जैसा पॉल बेटनी ने कहा था कि आने वाले अपकमिंग कुछ एपिसोड्स धमाकेदार होने वाले हैं। और आपको बता दूं कि अल्ट्रॉन के वॉइस एक्टर इस टीवी सीरीज में है, तो यानी कि हमें इसमें अल्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये थे वो काफ़ी सारे स्पॉइलर लीक्स अपडेट, और कुछ कैरेक्टर के अपीयरेंस और कुछ कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं। देन आपका क्या मानना है कुछ अपकमिंग एपिसोड से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देन कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई आपने स्पॉइलर बता दी, क्योंकि मैंने पहले स्पॉइलर वार्निंग दी थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।